एक इंसान वो है कि जो बुनियादी तौर पर जज्बात से फैसला करता है। आप उसके जज्बात को अपील कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगा। एक आदमी वो है कि जो पहले बात को समझना चाहता है कि मेरी अकल भी इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं। बस ये डिस्टिंक्शन है। जो शख्स चाहता है कि पहले समझूं फिर मानूं, वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे अनपढ़ हो। एन एब्सोल्यूटली इलिटरेट पर्सन कैन बी एन इंटेलेक्चुअल एंड ए PhD कैन बी ए जज्बाती आदमी। PhD होने से क्या होता, इमोशनल हो सकता हूं। PhD तो उसने की है, केमिस्ट्री में की है, किसी और में की है, बहुत देर तक बैठा रहा बेचारा और वो बहुत से स्टेटिस्टिक्स जमा किए हैं, डेटा फ्राम किया, उसके ऊपर कोई एक पेपर लिख दिया, PhD हो गई। जरूरी नहीं कि PhD इसके अंदर कॉमन सेंस भी हो। कॉमन सेंस बहुत बड़ी रेयर सेंस होती है। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस बट रेयरली फाउंड। इसी तरीके समझ लीजिए इलिटरेट शख्स भी, लेकिन यह कि अगर उसका मिजाज यस है, उसकी एक शख्सियत है कि वो पहले बात कहता है बात पहले मुझे समझाओ, वो इंटेलेक्ट से, यू कैन अप्रोच हिम थ्रू हिज इंटेलेक्ट। यू मे से ये उसके जज्बाती स्ट्रक्चर, उसका हार्ट, उसके और आपके दरमियान उसका इंटेलेक्ट हाइल है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू कांट रीच हिज हार्ट एक्सेप्ट थ्रू हिज इंटेलेक्ट। एक आदमी वो होता है जिसका यहां कुछ है नहीं, कोई नजरिया नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना वो अकल से कोई ज्यादा सोचता है ना कोई। आपने उसके अच्छी बात कही, उसके दिल में उतर गई, अज दिल खेजत बद दिल रेजत, खुलूस के साथ आपने एक बात कही, बात अच्छी थी, उसकी फितरत नेक थी, उस नेक फितरत उस बात जाके अपील कर गई, एंड ही स्टार्ट्स गोइंग विद यू। मैंने तबलीगी जमात का और इन तहरीकों का जहां तकाबुल किया है कि तबलीगी जमात की जो अपील है इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इमोशनली अप्रोच करते हैं और जो इमोशनलिटेड पीपल हैं वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उन्हें वहां से वो उचक लेते हैं, निकलो अब इस माहौल से, 3 दिन के लिए आओ, 40 दिन के लिए आओ, 4 महीने के लिए आओ, जो भी आओ, 3 चिल्ले लगाओ, ताकि एक नए माहौल में लाकर उनकी जो है वो एक खास किस्म की वो जहनी और उनकी एक मिजाज की साख बना दी जाए। तो ये उनका तरीका बहुत सही है, इट्स वेरी परफेक्ट। उनकी मेथोडोलॉजी में कोई लूप होल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आज उसके शख्स के दिल में एक अच्छा जज्बा उभरा है और वो कल हो सकता है ना रहे, यू कैश इट, अभी कैश लो उनसे, नकद लो, निकालो भाई वक्त निकालो नकद। और उनका बड़ा प्यारा जुमला है, घर गए तो गिर गए, बड़ा प्यारा जुमला, घर गए तो गिर गए, यानी यही वादा तो कर लो ना, तो भाई इरादे तो कर लो, सबसे बड़ा प्यारा अंदाज है ये, भाई इरादे तो कर लो। वो इरादा कर लिया तो आप एक वादे की वजह से बंध गए। अब ये कि अच्छा भाई चलो निकलो, अब निकल गए तो फिर तो उनके काबू में आ ही गए। अब आप उन्होंने 24 घंटे वो आपको जो है उसमें रखना है कि वो आप अपनी सारी सोच वो सब की सब जो है वो सब जाती रहेगी। तो ये अपनी जगह पर इट्स ए वेरी परफेक्ट मेथोडोलॉजी, लेकिन उसकी अपील लिमिटेड है टू इमोशनल पीपल, नॉट टू इंटेलेक्चुअल। हाँ उनमें है प्रोफेसर है, ये है डॉक्टर्स है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल है, उनका एक अपना एक समझ है, उसमें काम करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि जहन के रास्ते से अप्रोच करना, इसीलिए कुरान की अपील क्या है, अफला ताकिलून अफला याकिलून अफला तदक्करून, सारी बातियां अकल से काम। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, कुरान तो ये कहता है कि बगैर या तो अकल से बात मानी जाएगी और या कुरान की बात मानी जाएगी या रसूल की बात मानी जाएगी। العلم والإيمان ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا। किसी ऐसी चीज की पैरवी न करो जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म नहीं। इल्म दो है, या आपको अपने हवास के जरिए से इल्म हासिल हुआ है, अकल से हासिल हुआ है, और या फिर यह कि वही से हासिल हुआ। तो यह है असल में किसी भी इनकलाबी तहरीक के लिए जो पहला न्यूक्लियस बनता है वो इंटेलेक्चुअल्स का होता है। फिर यह कि वो चीज जो है आम लोगों के अंदर भी नीचे उतरती है, उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है उसमें तो आपको आवाम को मोटिवेट करना पड़ेगा। अब वो वहां इंटेलेक्चुअल अपील नहीं चलेगी, वहां फिर इमोशनल अपील चलेगी। लेकिन वो कब चलेगी, जबकि एक मजबूत जमात ऐसी पैदा हो चुकी हो कि जो समझ कर आई हो, अला वजिल बसीरत मान रही हो
चल रही हो, अपनी दोनों आंखें खोलकर चल रही हो, फिर डिसिप्लिन्ड हो, फिर जो कुछ कह रही है वो कर भी रही हो, ऐसी मजबूत जमात होगी तो एक अवामी जो है कोई तहरीक उठाकर उसे कंट्रोल कर सकती है, उसे एक डायरेक्शन के अंदर रख सकती है। वरना अवामी तहरीक को कोई कर सकता है, अवामी तहरीक खुद ब खुद भी दाएं बाएं किसी तरह बढ़ जाएगी जोश और जज्बात के अंदर, तो फिर इंसान जो है वो फिर इधर से उधर निकल जाता है, फिर वो हद इत्तेदाल पर नहीं रहता। उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे रीढ़ की हड्डी है इंसान के जिस्म में, वो जब तक खड़ी है मेरा पूरा पोस्चर खड़ा है, अगर उसमें से कोई एक मन का बैठ गया तो कुबड़ा कूब निकल आएगी इंसान की। तो वो रीढ़ की हड्डी जो है वो जमात है, इनकलाबी जमात, क्योंकि इस्लामी इनकलाब में हिजबुल्लाह जो हम तंजीम इस्लामी के तहत कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और ये कि उसके लिए इंटेलेक्चुअल अप्रोच के लिए ये सारा मामला है कि जो इस्लाम के नशत सानिया से शुरू हुआ और ये सारा काम जो अब हो रहा है, आपसे बात हो रही है, आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि दीन को समझिए कि दीन है क्या, उसका हदफ क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसमें प्रायोरिटीज क्या है, ये सारी चीज़ें कि समझ से आए आपके अंदर, फिर आप समझ कर उस शय को कबूल करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम आपको इमोशनली मोटिवेट करके हरकत में नहीं लाना चाहते, वो स्टेज आएगी जब आएगी, अगर वो मजबूत जमात पहले तैयार हो जाए तो फिर वो स्टेज आएगी, फिर आवाम को मोटिवेट करेंगे। और उस वक्त मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी शक्ल हमारे जरिए से अल्लाह ने पैदा कर दी तो मुझे यकीन है कि तबलीगी जमात के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है खिंचकर आ जाएगी, जैसे वैक्यूम में कोई चीज खिंच जाती है, लेकिन जबकि उन्हें मालूम हो जाए कि हाँ दीन वाकईतन ये कोई इख्तदार की जंग नहीं है, ये कोई और मसला नहीं है, कोई इसमें शक को शुबे से बालातर बात नहीं है, खालिस दीन का मसला है और उसके ऊपर कोई तहरीक शुरू हुई तो फिर वो निकल आएंगे लोग। हुजूर के जमाने में भी समझ लीजिए, जैसे कि मैंने कहा इलिटरेट होना और बात है, लेकिन ये कि इंटेलेक्चुअल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी होता है, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल। यहां पर एक जुमला नोट कर लीजिए अगर आपके इल्म में ना हो, जबरान खलील जबरान जो है ये एक ईसाई मुसन्निफ था, अरब लेबनान का, लेकिन बहुत बड़ा अदीब था। तो उसका एक जुमला है, अक्ल से रोशनी हासिल करो लेकिन जज्बे के तहत हरकत करो। यानी अक्ल से रोशनी हासिल करो, जाना किधर है, मंजिल क्या है, हदफ क्या है, ये अक्ल से तय करो, ये जज्बात में तय ना करो, ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी। लेकिन जब तय कर लिया, अकल से पहचान लिया, दिस इज द आइडियल, दिस इज द गोल, ये मेरा मकसूद है, अब अकल को जरा एक तरफ रख दो। अगर अकल को रखे रखा ये चलने ही नहीं देगी, ये कहेगी कि जरा सोचो तो सही, बीवी बच्चे हैं, ये है घर बार है, ये अकल तो फिर ये सिखाएगी। अकल के मानी बांधने के हैं, ये मालूम है आप, अकल के मानी बांधना, एकाल जो ये अरब लोग अपने सर के ऊपर ये लगते हैं, एकाल ये क्या था असल में, ये अरब बद्दू जब होता था, बद्दू वो अपने सर पर एक रस्सी बांध लेता था कि जहां कहीं वो ऊंट से उतरेगा वो रस्सी अपने सर पर से खोलेगा और ऊंट का घुटना उससे बांध देगा, एक घुटना बांध देता था ताकि अब ये ऊंट दौड़ने के काबिल नहीं रहा, तीन पांव से उचक उचक कर इधर से कोई कीकर का दरख्त है कुछ खा लेगा कहीं और चला जाएगा, दौड़ तो नहीं सकता। उस रस्सी को वो एकाल कहते थे। अब जब उसने फिर चलना है, सफर शुरू करना है, वो रस्सी ऊंट के घुटने पर से खोली और अपने सर पर बांध ली, ये एकाल था, जो अब ये सुनहरी एकाल बांधे फिरते हैं बादशाह लोग, दैट इज द बेसिस ऑफ देयर एकाल। इसीलिए हदीस आती है कि एक बद्दू एक अरब बाहर से आए, ऊंटनी को उन्होंने बगैर बांधे, वो मस्जिद नबवी से बाहर हुजूर ने देखा कि वो ऊंटनी को उन्होंने बांधा नहीं उसका घुटना और वो चले आए। हुजूर ने पूछा कि तुमने ऊंटनी का घुटना क्यों नहीं बांधा, उन्होंने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, उन्होंने फरमाया गलत है, एक किल्हा सुम्मा तवक्कल, पहले उसको बांध दो फिर तवक्कुल करो, असबाब और वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल ही तुम पर लाजिम है लेकिन तवक्कुल उस पर ना करो, तवक्कुल अल्लाह पर, यह है बेसिक जो यानी बैलेंस्ड राय कि आप ऐसे बिल्कुल असबाब से मुस्तगनी हो जाएं तब भी गलत बात है, आप यू डू व्हाटएवर यू कैन डू, लेकिन यह कि उसके बाद ये ना समझो कि मेरे इस करने से कुछ हो जाएगा या मेरे वसाइल और ज़राए से कोई नताई निकल आएंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में। तो एकिल हा सुम्मा तवक्कल, ये एकिल अक्ल के माने बांधना, पहले बांधो उसको। तो अगर चलने में तो अक्ल को एक तरफ रख दो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल तो नहीं इजाजत दे सकती थी हजरत इब्राहिम को कि कूद जाओ आग में, अकल तो यही कहती ना कि बाबा जान खामखा देनी है, अगर तुम अपने आप को बचा लोगे इस वक्त कोई
कोई हीला कर लो, कोई थोड़ा सा नमरूद की खुशामद कर लो, छोड़ दे, तो फिर उसके बाद तौहीद की दावत देना। लेकिन यह कि जिंदगी खत्म हो गई तो तौहीद की दावत कौन देगा? अकल तो यह सिखाती ना, पट्टी पढ़ाती। लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल तो वहीं बैठी देख रही है कि ये क्या किया इसने, ये जंप्ड, ही शुड नॉट हैव जंप्ड। तो अकल से रोशनी हासिल करो, डायरेक्शन क्या है, गोल क्या है, जाना क्या है, ये तय करो अकल से। इसमें जज्बात को दखल ना आने दो, और जब चलना है तो अब अकल को तय करके रख दो, और अब जज्बे के तहत हरकत करो। बहुत उम्दा जुमला है।